है, बड़ी मुश्किलों से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को आप अपना समझना जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में, लेकिन किसी भी बात को कोई बात आए तो भाई आपको जो है भाई मारी कहानी देखनी है, बात हमको देखना है। आपकी एक एक वोट हरियाणा की अगली सरकार बनाने के लिए जानी चाहिए। जहाँ तक जयवीर जी की बात है, जयवीर जी की भी मैं बात बताऊं भैया, जयवीर जी भाई इतने वर्षों से हमारे साथ हैं, ईमानदारी और वफादारी दो चीज़ होती है भाई, ईमानदारी और वफादारी। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये ऐसे ऐसी तानाशाही ताकते हैं। देश में एक मंत्री का बयान आया बीजेपी के, हरियाणा के मंत्री का, आपने देखा होगा वो बयान, देखा था कि नहीं देखा था? हरियाणा के एक मंत्री जेपी दलाल का बयान था कि भाई लोग कोई फैसला कर लें हम तोड़ देंगे, यह बात थी ना। बोला भाई जुकर हमने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी, हमने फलानी सरकार तोड़ दी, हम तोड़ देंगे। तो भाई जब ये एक बात ये कह रहे हैं तो भाई हमें तो इसीलिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जिनको जहां खड़ा करें वो वहीं खड़े रहें, हमें ऐसी साथियों की जरूरत। ये इनकी ये जो है आज समझ गए ये भाई ये ऐसे यहाँ वफादारी भाई, क्योंकि सारी अग्नि परीक्षा इनने दी है तो भाई यहाँ ऐसे साथियों की जरूरत है। शराफत शराफत तो है ही, तो बोले जी कितना है भाई सारी सुने जाते हैं है? ये बात तो पत्रकार कहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ बोला भाई कितना है कुछ बोला खर सुने जाते हैं तो शरीफ भी है। मगर जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, सरकार आपकी सरकार तो पिछली बार भी बन गई थी, 40 सीट पे रुक गई थी बीजेपी, 75 पार के नारे की हवा निकल गई थी, लेकिन क्या हुआ सरकार दोबारा कैसे बनी? सरकार दोबारा बनी दुष्यंत चौटाला 10 एमएलए लेके भाग गया, कई निर्दलीय भाग गए कि नहीं भाग गए? अगर वो नहीं होता पिछली बार सरकार बन जाती तो ना किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का तिरस्कार देखना पड़ता आज देश में। तो भाई ये पिछली बार जो हुआ केवल इसलिए हुआ कि भाई आपने भाई इस बार आधा फैसला मत छोड़ना, और भाई ये यहाँ से जयवीर को आप जिताकर भेजना। मैं आज आपसे बीच में मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, ये पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है, देखो पूरा देश तो देखेगा हरियाणा की तरफ के हरियाणा वासी किस तरफ खड़े हैं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार के तरफ, मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ के जो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो उस समय दुष्यंत चौटाला की पार्टी में थे जब किसानों की जान की कुर्बानी हो रही थी, थे कि नहीं थे दुष्यंत चौटाला की पार्टी में उस समय? उनको किसान उस समय उनको किसान नहीं दिखाई दिया जब किसानों की जान कुर्बान हो रही थी, जब हमारे पहलवानों को घसीटा जा रहा था उस समय उनको पहलवान और हमारी बेटियां दिखाई नहीं दी, जब संविधान को कुचला जा रहा था तो इन कैंडिडेट्स को संविधान नहीं दिखाई दिया जो बीजेपी के कैंडिडेट बन के आए हैं, ना जवान दिखाई दिया, ना किसान, ना पहलवान, ना संविधान। और आज आपके बीच में जब आएंगे किस मुंह से आएंगे? और आपका मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक इलाका भाई आपकी तरफ पूरा हरियाणा देखेगा, पूरे हरियाणा में लहर अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहां से घर में कोई कमी कसर रहेगी, घर में कमी कसर रहेगी भाई, हमारी कमर को आप मजबूत रखना, पीठ पीछे किसी का वार मत होने देना, मारी कर तम मन्ना लगन दियो थारे खातर छाती हम हड़ा देंगे। ये मैं आज आते हैं भाई, कोर्ट का फैसला कर लो भाई, मारी कर एक बार छाया पूरी जनता है, कलोई के बाद अगर कोई दूसरा विधायक बनेगा सबसे ज्यादा वोटों से जयवीर पाल भाई। मैं तो एक बात कह रहा हूँ देखो भाई, ये जहां तक आपको पता है मैंने एक बात पहले भी कह रखी है, परिसीमन होगी जी 26 में, वैसे तो पता नहीं कब होगी लेकिन 26 की डेट है, 2026 में आपके आशीर्वाद कांग्रेस की बनती है। परिसीमन में अगर भाई हल्का जो है ना भाई अगर ओपन होता है तो भाई कदे कोई तो उसके भाई मैं बताऊं आपको, मेरे खातर भी वैकेंसी छोड़ना भाई, यहां से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक बात है ना जी, ये मेरा अपना हल्का है। तो भाई और दूसरी बात भाई, दूसरी बात कलोई से आगे कलोई से बढ़त आगे अगर लिकट गई तो भाई घर में भी पापा धोरे किम ना छाती चौड़े करके जाऊंगा भाई, मैं बता देता हूँ।
ये बात ठीक है ना भाई? तो ये इतना मेरा इतना जुगाड़ तुम बना दो। अरे भाई मेरा इतना जुगाड़ घर में जो है ना, गरीबों के राशन कार्ड, पेंशन कार्ड दी, राशन कार्ड काट दिए, तो ये सारा, तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। लड़ाई जय संविधान के नारे को, जय संविधान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई। आपने देखा संसद में जब जय संविधान का नारा लिया सारे विपक्ष के सांसदों ने, तो लोकसभा स्पीकर ने, बीजेपी सारी तिलमिलाई और लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि नहीं कहा कि भाई ये जय संविधान का नारा, ये नारा ठीक नहीं है। और जब उन्होंने ये कहा तो 550 सांसदों में अकेला एक तुम्हारा भांजा था कि नहीं था जो खड़ा हो गया वहां से कि भाई ये जय संविधान के नारे पे देश चलता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये लड़ाई सभी हर वर्ग की खुशहाली की लड़ाई है। और मैं जो हमारे पदम दैया जी, हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी इतनी मेहनत कर रहे जी तोड़, और हमारे सुरेंद्र दैया जी, मैं इनका बहुत बहुत नाम रह गया था, जो साथी मेहनत कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ नाम मैं लेके कल ये विकी गलत करवाता ना, एक एक का जब नाम ले लूंगा फिर यूं हो जाएगा कि भाई किसका रह गया, वो ही रुसेगा। इलेक्शन का टाइम है, लेडीज भी सारी हमारी महिला से भाषण दे लिया था जी, समय का दान दिया था। जय हिंद, जय राम जी की, जय मेरे सुसाना गांव की। सिसाना गांव हमारे हरियाणा की और भारत देश का ये ऐतिहासिक गांव, एक तपोभूमि, एक धर्म भूमि। इस सिसाना गांव की मैं, इस पावन धरती को बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज ये वो गांव कहीं ना कहीं आज जीवन में जहां भी हम पहुंच पाए हमारे जैसे, ये वो इलाका है जहां के संस्कार और जहां का आशीर्वाद मेरी रगों में, जहां के संस्कार दौड़ते हैं, मैं आगे पहुंच पाया। मुझे अपने गांव को मैं बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। तो बड़ी मुश्किलों से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप अपना समझना जो मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं।